असीवारो 22 सितंबर शुक्रवार का दिन आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी संकट आपके दूर होंगे और खुशियों से आपकी झोली भर जाएगी। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है क्योंकि चंद्रमा आज आपकी कुंडली के धन स्थान में उदय होगा और 3:34 के बाद चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में चला जाएगा। जब ऐसा योग बनता है तो आपके जीवन में बड़ी कामयाबी और ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज चंद्रमा जो आपके कर्म का स्वामी है, जब तक धन भाव में रहेगा, मंगल के प्रभाव से धन संपत्ति में लाभदायक योग बनाएगा और जैसे ही पराक्रम भाव में चला जाएगा उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जिसका स्वामी बुद्ध आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। आप काफी उत्साहित होंगे, आज कोई बड़ा काम आप कर लेंगे, कोई बड़ी सफलता पा लेंगे और परिवार में उत्सव के ऐसा माहौल होगा। बहुत खुशी भी आपके जीवन में होगी, सारे काम आपके सफल होंगे और अपने काम पर आप गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आज राहु के साथ बृहस्पति का गोचर है जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में इस समय गोचर कर रहा है। शुक्र जो लग्न का स्वामी है आज कर्म स्थान में बैठा है, शोहरत इज्जत के साथ धन कमाने का योग बनाएगा। आज आप बहुत उत्साही होंगे क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न में केतु का गोचर है, सौभाग्य आपका जागेगा। आज मूल नक्षत्र का केतु 3:34 के बाद आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आएगा। वैभवशाली इच्छा को पूरा करने वाला, बेहद शुभ परिणाम देने वाला, तरक्की के रास्तों को खोलने वाला एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाला है। वहीं बुध जो आपके भाग्य का स्वामी है लाभ स्थान में बैठा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध मन चाहा परिणाम देता है, आपके भाग्य को आगे बढ़ाता है। ज्यादा धन कमाना, जीवन में ज्यादा सुख पाना और अपने जीवन में उत्साह से आगे बढ़ते जाना, परिश्रम से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता आज आपके अंदर होगी। आज का दिन आपके लिए लाभ तरक्की सुख समृद्धि लेकर आया है, क्योंकि बुध केतु का प्रभाव है, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है, नए उत्साह के साथ जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। उमंग उत्साह, जीवन में लाभ धन और भाग्य का साथ मिलेगा, रिश्तों में मधुरता होगी और किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। तो तुला राशि वालों चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शुक्रवार का दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 22 सितंबर का दिन आयुष्मान योग ज्येष्ठा नक्षत्र 3:34 तक बुध स्वामी, उसके बाद मूल नक्षत्र में केतु का प्रभाव। ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र दो ऐसे नक्षत्र हैं जो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन लेकर आते हैं। आज भाग्य आप पर मेहरबान है, आज आपके घर की तिजोरी भरेगी, ऐसा योग है, क्योंकि धन कमाने का साधन और धन कमाने का सामर्थ्य दोनों आपके जीवन में बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कि आज मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप सफल होंगे, स्वतंत्र व्यक्तित्व होगा, जीवन में खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुल परंपरा मर्यादा का मान रखने वाला और अंतिम समय में विजय प्राप्त करने वाला ऐसा योग बन रहा है। लंबे समय के बाद आपके जीवन में खुशनुमा योग है जो आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आएगा, जो आपके जीवन को शानदार बनाएगा,
जो आपके जीवन में तरक्की का योग बनाएगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा, सफलता के योग बनेंगे और मन की उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगा। ऐसा योग बन रहा है क्योंकि बुध और केतु का प्रभाव है। बुध और केतु के प्रभाव से आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हर काम में आपको सफलता और हर काम में तरक्की देखने को मिलेगी। मन में खुशी होगा, नौकरी भी अच्छा चलेगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा। आज आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बेहतर है, चंद्रमा भी शुभ है, बुध और केतु का प्रभाव बड़ा ही प्रभावशाली है, जिसके दम पर आपके जीवन में अच्छे कार्य होंगे, जो आपके लिए शुभ रहने वाला है। और खास करके स्टूडेंट के जीवन में आ रही समस्या समाप्त हो जाएगी। आप प्लानिंग करके काम करें, आपके लिए समय उत्तम है। ऐसे समय में कोई बड़ी तरक्की का योग बनता है। ऐसा समय आपके लिए अनुकूल होता है, जिसमें रुके हुए कार्य पूरे भी होते हैं, आप सफल भी होते हैं और अपने जीवन में धैर्य से जो काम करते हैं उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में ऐसा योग जो आपके भाग्य को चमका दे, आपकी कुंडली में ऐसा योग जो आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आपके जीवन में सुख, धन और लाभ का अवसर देगा। आज बुध और केतु से किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। इसमें आपको अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा, अपने मित्र का भी सहयोग मिलेगा। यानी हर छोटी मोटी बातें अपने परिवार के साथ मिलकर समाधान करें, अवश्य आप सफल होंगे। कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है क्योंकि मंगल और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं, जो आपकी स्थिति को और मजबूती दे रहा है। स्थिरता, समृद्धि, सुखी जीवन, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। वहीं बृहस्पति और चंद्रमा के कारण कार्य कुशल से सुख पाने में आप निपुण होंगे। शुक्र के कारण स्त्री का प्यार भी मिलेगा और आपके लिए राहु किसे साहस पराक्रम करने वाला, आपके अंदर एक जुनून होगा जो आपको बड़ी सफलता देगा, आपको योद्धा बनाएगा। उन्नति और धनदायक, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला योग, इच्छा शक्ति को जगाने वाला। आज बुध और केतु के प्रभाव से बड़े बदलाव और लाभ का योग है। आपका नौकरी कारोबार फलेगा फूलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा समय आ चुका है। नौकरी, करियर, प्रेम संबंध, हर जगह किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा गुड न्यूज भी मिलेगा। शुक्र आपके लिए अच्छा है, जो 15 तारीख तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। यानी 15 अक्टूबर तक शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर रहने से आपके काम की तारीफ होगी, सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। वेल्थ के साथ सक्सेस का समय आ चुका है। शुक्र के शुभ फल से कार्य क्षेत्र में तरक्की आरंभ हो चुकी है, आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। मान सम्मान और प्रभावशाली जीवन आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। मन चाहा परिणाम और लाभ के संकेत, धन सुख, शक्ति समृद्धि, यानी चिंता को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। केतु आपकी बाधा रुकावटों को दूर करेगा क्योंकि केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई है, जिससे केतु शुभ फल लाभ आपको देगा और केतु के प्रभाव से आप भाग्य के धनी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होंगे। जीवन साथी का प्यार भी मिलेगा, जीवन साथी का विश्वास भी मिलेगा, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान भी होगा, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आज का दिन कार्य में सफलता, जीवन में सुख और भाग्य का साथ अवश्य आप प्राप्त करेंगे। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी शनि है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा,
तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। कोई बड़ी घटना आपके जीवन में अवश्य होगी जो आपके भाग्य आपके कर्म को प्रभावित करेगा। शनि चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति जब चार चरण में आज का दिन व्यतीत होगा तो आज का दिन भाग्य के बदौलत सुख समृद्धि ऊंचा मुकाम, भाग्य बड़ा बलवान है तो धन भी पाएंगे, शोहरत इज्जत भी कमाएंगे, उत्साही भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, चतुर भी आप होंगे, यानी आपके गृहस्थ जीवन में भी सुख है, आपके कर्म क्षेत्र में भी तरक्की का योग बन रहा है। ये समय लाभ का है, सुख पाने का है, भाग्य से जीवन में आगे बढ़ने का समय है। आज राहु काल 10:43 से 12:14 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 9 होगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से आरंभ होगा, जबकि अमृतकाल 6:47, अभिजीत मुहूर्त 11:49 और विजय मुहूर्त 2:15 आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आप भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आज आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव शुभ है तो सुख भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी मिलेगा, सफलता भी आप हासिल करेंगे, जीवन की चिंताएं भी दूर होगी और भाग्यशाली भी होंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।